डियर स्टूडेंट्स, क्लास फाइव का ये मैथ है, चैप्टर एट, एक्सरसाइज 49। तो इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि पैसे को रुपये में चेंज करना है और रुपये को पैसे में चेंज करना है। इस तरह से बतलाना है आपको रुपये को कैसे पढ़ा जाता है, पैसे को किस तरह से पढ़ा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग, मतलब इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्पेशली इसको बनाना नहीं है, तो इसका जो आंसर भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे पढ़ना है, तो इसको पढ़ना है रुपीज़ 0.07 और इसको भी उसी तरह से रुपीज़ 0.19, मतलब 19 इसमें नहीं पढ़ा जाता है, 19 पढ़ा जाता है, पॉइंट के बाद इधर जो रहता है इसको 1/1 करके बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे रुपीज़ 5.30 इस तरह से, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 5 रुपीज़ 30 पैसे। उसके बाद यहाँ पे 12.06 रुपीज़, ठीक है, 12.06 रुपीज़, या फिर रुपीज़ 12.06, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 12 रुपीज़ 6 पैसे, 12 रुपीज़ 6 पैसे, ये हो गया। और इसको पढ़ेंगे रुपीज़ 71.35, या फिर 71.35, या फिर इसको पढ़ सकते हैं 71.35 रुपीज़। इस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, और इसमें क्या कह रहा है, रीराइट इन रुपीज़ एंड पैसे। इसको जो है रुपीज़ और पैसे दोनों में ही लिखने के लिए कह रहा है। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे रुपीज़ 15.30 एज 15 रुपीज़ 30 पैसे, इस तरह से लिखना है। पॉइंट के इधर वाला जो होता है वो रुपीज़ में आता है, पॉइंट के इधर वाला जो है वो पैसे में आता है। जैसे पे आप यहाँ दिया हुआ है ए नंबर में रुपीज़ 0.12, तो यहाँ पे फर्स्ट में जो रुपीज़ वाला पार्ट जो है उसमें जीरो है, तो रुपीज़ में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ पैसे में आएगा। इसको हम लिखेंगे 12 पैसे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए नंबर में रुपीज़ 0.12, तो इसका क्या हो जाएगा, 12 पैसे, रुपीज़ में कुछ भी नहीं है, 12 पैसे ओनली। तो इसको वर्ड में लिखने के लिए कहा गया है, तो हम इसको लिख लेते हैं 12 पैसे, और ये हो गया 1 रुपीज़। यहाँ पे हो जाएगा 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ जब रहता है तो उसको रुपीज़ नहीं लिखा जाता है, रुपी लिखना है, 1 रहेगा तब, बाकी सब में हम रुपीज़ लिख सकते हैं। 1 रुपी 3 पैसे, ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर में, कितना दिया हुआ है सी नंबर में, रुपीज़ 90.90, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 90 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 90 पैसे, और डी नंबर में यहाँ पे लास्ट इसका पार्ट है, दिया हुआ है 178.39, तो इसका क्या हो जाएगा, 178, थोड़ा सा लंबा होगा इसमें, 78 रुपीज़ 39 पैसे, इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 178 रुपीज़ 39 पैसे। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर जो हो जाएगा। तो यहाँ पे थ्री नंबर कंप्लीट हो गया है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फोर नंबर की ओर चलेंगे।